तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। तो चार ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन को मैं नहीं बताऊंगा इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बस आंसर ही बताऊंगा और आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे वीडियो को, ऑप्शन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ऑप्शन में है, देख पा रहे हैं आप लोग चार ऑप्शन, तो राइट आंसर की बात करेगा ए नंबर राइट आंसर यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। तो प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर यानी हरिसेन ने की है। अब क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है और पूरी तरीके से आ चुकी है, क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल माना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, तीन नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी गुप्तकाल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर लाइव आना चाहते हैं तो दोस्तों, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि उसमें हम 9 बजे रात, 9 बजे दिन और 4 बजे दिन को लाइव आते हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चार क्या है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ। तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी 78 ईसा पूर्व में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला नंबर पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर यानी 18 दिनों तक चला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिपाठिक साहित्य संबंधित है, त्रिपाठिक साहित्य संबंधित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर राइट आंसर यानी बौद्ध धर्म से राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ देखिए सात नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, यानी सात नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी अपरिग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आठ को देखेंगे, तो आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, तो क्या कहा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर यानी राय कहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, नौ नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी 5 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से देख पाए। क्वेश्चन नंबर क्या है, दस नंबर क्या है, किस प्रकाशीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाए, दस नंबर का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर यानी भूमि सुधार व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे, ग्यारह नंबर क्वेश्चन, तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाए, यानी ग्यारह नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपको देखेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इतिहासकारों में से अकबर का समकालीन था, तो कौन था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 12 नंबर का बी नंबर यानी बदायूनी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 13 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इस काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, तो राइट आंसर की बात करें क्या, बी नंबर यानी 1526 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप यहाँ देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर की बात करें 15 नंबर का डी नंबर यानी शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 16 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी जहांगीर के दरबार में आया। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 17 नंबर को देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अस्थाई बंदोबस्त है, तो क्या है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, सॉरी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 17 नंबर का नंबर यानी कॉर्नवालिस से, कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया। तो महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, यानी 18 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, 1957 के गदर को क्रांति किसने कहा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 19 नंबर का ए नंबर यानी कॉल मार्क्स ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर 17 मार्च 1498 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर की बात करें 21 नंबर का बी नंबर राइट आंसर ए ओ ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो इसका राइट आंसर की बात करें 22 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 23 नंबर का ए नंबर यानी पैसिक लॉरेंस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना, तो इसका राइट आंसर की बात करूँ क्या होगा, चौबीस नंबर बी नंबर राइट आंसर, यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना यार, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ जो इस बार टच होने वाले क्वेश्चन हैं। राखल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो का अवशेष कब मिले, तो राइट आंसर की बात करूँ क्या होगा, 25 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 1922 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 26 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 27 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, अशोक किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या, 28 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी मौर्य का शासक था, मौर्य वंश का। अब क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे है, क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, बी नंबर, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 30 नंबर का ए नंबर, यानी मगध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है स्क्रीन पर, क्या है, महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 30 नंबर का राइट आंसर, 31 नंबर का, यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी पावापुरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्या है, अस्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो अस्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर की बात करें क्या, 32 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 33 नंबर देखेंगे, क्या करा है, महाभारत का रचना किसने की है, महाभारत का रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या, डी नंबर वेदव्यास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें ए नंबर, यानी मनु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर की बात करें सी नंबर, यानी 18 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 36 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या, सी नंबर, यानी सॉरी, यानी मोहम्मद तुगलक राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 38 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा, यानी ए नंबर अजमेर में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 39 नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी किस का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर की बात करें बी नंबर, यानी गुरु नानक का जन्म स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर है, अकबर का संरक्षण कौन था, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 40 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी बैरम खां। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 41 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आईने अकबरी किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 42 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 41 नंबर का बी नंबर, यानी अबुल फजल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण लिखा था, तो किस भाषा में, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ने अरबी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 43 नंबर का, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर की बात करें ए नंबर, यानी मंदिर से संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, निम्न में से महिला सत्य थी, तो कौन थी, तो इसका राइट आंसर की बात करें डी नंबर, यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, हम्पी किस नगर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 45 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, देखें यहाँ पर, भारत में रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें 46 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी जी एस लिविदेव राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, क्या, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर की बात करें 47 नंबर का बी नंबर, यानी हरिहर एवं बुक्का ने। अब क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्नवालिस कोड बना था, कॉर्नवालिस कब कोड बना था, इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 48 नंबर का डी नंबर आंसर, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, यानी 49 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर की बात करें 49 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी सिद्धू राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 नंबर स्क्रीन पे है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी सॉरी ए नंबर, यानी 1853 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को डाउट लगता है कोई क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किस वर्ष गणतंत्र हुआ,
तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा, यानी 1950 राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर को देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा, 52 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर 13वें अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, क्या कर रहा है, हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, यानी ए एवं बी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालीबांगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 54 नंबर का डी नंबर यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 55 नंबर का राइट आंसर बी यानी मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 56 को देखेंगे, क्या है कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 56 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी 10वीं शताब्दी में आया था। क्वेश्चन नंबर 57 स्क्रीन पे क्या है, फ्रांसवा बेरनियर था, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 57 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि खुद्दक निकाय का संबंध है, खुद्दक निकाय का संबंध है, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या जाएगा, 58 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी सुत पीठक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पे है, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, यानी राइट आंसर जो जाएगा सी नंबर राइट आंसर यानी मध्यमिका कोश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 30 वर्ष यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि आप उसको भी फायदा